भाई पैदल आ रहे हैं और बाइक पंचर हो चुकी है। गाड़ी 3 किलोमीटर खींच कर लाए जब जाके यहाँ पर एक दुकान मिली पंचर की। अब बाइक का तेल खत्म हो गई, हमारे पास पेमेंट ना, तो तुमने वो वाला जीपे कर दिया। कभी किया है? अभी अभी वीडियो। जिस बात का हमें डर था वही हुआ भाई। जब हम लोग क्लास में गए तो मैम एंट्री नहीं दे रही थी। अभी जा रहे कॉलेज और आज काफी लेट हो चुका है क्योंकि आज बज रहे भी 12। लेट होने की वजह यही है क्योंकि हम रात में हमारा तौफीक दिल्ली चले गए थे, किसी जरूरी काम था। तो अभी दिल्ली से भी आधा घंटा पहले पहुंचे, तो दोबारा एक बार फ्रेश होकर निकलते हैं कॉलेज। आज कॉलेज जाना जरूरी था क्योंकि आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो हमने कहा भाई आज क्लास उसको जरूर लेंगे। भाई पैदल आ रहे हैं और बाइक पंचर हो चुकी है। ये है मेरा भाई, बाइक की पंचर हो गई। अभी जा रहे थे कॉलेज, रास्ते में पंचर हो गई। गाड़ी 3 किलोमीटर खींच कर लाए जब जाके यहाँ पर एक दुकान मिली पंचर की। और तौफीक तो थक कर परेशान होकर बीच में ही बैठ गए। भाई यार सुबह से कुछ खाए भी नहीं, पूरी पावर ख़त्म है। फटाफट दिल्ली से रूम से खाने का कहीं मौका ही नहीं मिला। और भाई अब ये हो गया, कल बाइक की चाबी गायब हो गई थी, उसको ढूंढने में परेशान हो गए। आज रास्ते में भी परेशान हो गए, पंचर हो गई। और अभी कॉलेज में जाएंगे, मैम की डांट सुनेंगे वो अलग। भाई ये साहब बहुत परेशान हो रहे हैं आजकल, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ होने वाला है, कुछ अलग, क्योंकि बहुत दिक्कतें उठा रहे हैं आजकल। भाई बता रहे ट्यूब फट गई अंदर की। भाई तो फिर कितना वजन है यार, तो फिर थोड़ा कम खाए पिया करो भाई। तो भाई बन चुके और अब निकलते हैं, बज गए 1। पूरे 1 घंटा लग चुके हैं बनने में, काफ़ी लेट हो चुका है। तो अब निकलते हैं सीधा कॉलेज में ही मिलते हैं। अब भाई का तेल ख़त्म हो गई, वो पहाड़ वहाड़ पर कसम अल्लाह के भाग के अल्लाह। ये बताओ भाई, डिग्गी में रखे थे एक बॉटल इमरजेंसी के लिए भाई, अब डालते हैं यार। भाई साहब इतनी तकलीफ एक ही दिन में, कसम से एक दिन में इतनी तकलीफ कौन देखेगा रे मेरे भाई। 3.5 किलोमीटर पैदल चलाऊंगा, अल्लाह माफ करे यार। तोबा। तो भाई अभी कॉलेज में आ चुके हैं और अभी चलिए मैडम को फेस करते हैं। मैडम बोलेंगी भाई 2 बजे कौन क्लास आता है। चलिए मैडम की बातें सुनते हैं, सुनना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। क्लास ख़त्म हो चुकी है और जिस बात का हमें डर था वही हुआ भाई। जब हम लोग क्लास में गए तो मैम एंट्री नहीं दे रही थी। भाई साहब बता रहे हैं मेरे को, कह रही कि नहीं क्लास में कोई एंट्री नहीं, 2 बजे को एंट्री होती है। पर मैम को क्या पता कि हम दिल्ली थे भाई, इमरजेंसी थी थोड़ी बहुत, उसकी वजह से मैं जाना पड़ा। लेकिन फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और कई जगह से पावर लगाने के बाद तब जाके मुझे क्लास में एंट्री मिली, क्योंकि तुम्हारा भाई ब्लॉगर है, पावर तो रहता है ब्लॉगर लोगों का। चल झूठा। उसके बाद में भाई तो भी ये क्या मुँह में क्या लिया भाई, तो अभी मुंह में कुछ ले रखे थे भाई। अरे कल अभी आए पेट्रोल टंकी पे तेल डलवाने भाई, क्योंकि ये रास्ते में तेल भी खत्म हो गया था, तो टंकी में भी डलवाते प्लस डिब्बे में भी इमरजेंसी के लिए। आज ही हो गया मैं भाई, आज तो दिक्कत बहुत हुई भाई, टायर फटा, ट्यूब फटी, पैदल 3 किलोमीटर घसीटे गाड़ी को, 3 किलोमीटर पैदल चलाऊं। बड़े बड़े एरिया में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो भाई अभी आए थे मोबिल डलवाने के लिए, इस बार की तो इंजन ख़राब है, इसकी वजह से मोबिल ज़्यादा खाती है, तो इसलिए भी मोबिल डलवा रहे हैं भाई। ये गर्लफ्रेंड से ज़्यादा तो भाई बाइक की खर्चा होती है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई कॉलेज से आया, भूख लगी थी, थोड़ा बहुत मार्केट में कुछ खाया पिया के बाद में आया, थोड़ा सा आराम करा था भाई। इतनी तगड़ी नींद आई क्या बताए, क्योंकि सुबह से कुछ खाए, काफ़ी थक भी गए थे और जैसे पेट में कुछ गया भाई, बहुत तगड़ी सुस्ती आई, तो सो गए। अब उठे हैं, बज रहे हैं 10, चलते हैं फिर दोबारा खा पी लेते हैं, खाना भी आ गया है। और कल फ्राइडे भी है, कल क्लास नहीं, कल मैम कॉलेज नहीं आएंगे, इसकी वजह से हमारी क्लास नहीं चल पाएगी। द नेक्स्ट डे अभी जुमा का टाइम हो चुका है, तो अभी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। भाई अभी आया था सोसाइटी के ऑफिस में, कंप्लेन करना था, थोड़ा सा रूम में पानी की दिक्कत है, तो इसी के लिए आया था, जो कि यहाँ की सर्विस फ्री होती है, कोई भी रूम में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर हर रूम से हर महीना मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से जो भी दिक्कत होती है वो सब चीज़ फ्री सर्विस हो जाती है। तो अभी हो गया है जुमा का टाइम, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़कर आ चुके हैं रूम पर। आज फलस्तीन के लिए दुआ किया गया था मस्जिद में, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सब लोग दुआ करें फलस्तीन के लिए। देखो भाई ये मसला धार्मिक नहीं है, ये मसला ह्यूमन राइट का। जिस तरह अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए थे एक ट्रेड के नाम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, उसी तरह फलस्तीन में इजराइल के कुछ लोगों को रहने के लिए जगह दिया गया था, इसलिए वो धीरे धीरे कब्जा हो गया। आप जाइए 1947 से पहले का मैप देखिए फलस्तीन का, कितना मतलब उसका जो जगह था कितना था, और आज का मैप देखिए कितना कम है, मतलब कितना इजराइल ने कब्जा कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग भाई सपोर्ट करें फलस्तीन को, ये ह्यूमन राइट का मसला है, मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो जुल्म करते हैं उनको हमेशा बायकॉट करना चाहिए।
तो भाई अभी भूख काफ़ी तेज़ लग गई है, जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अभी जब नमाज पढ़कर आ रहे थे तब कोई भूख नहीं लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि सब भूख मिट गया। जैसे ही रूम पे आए और बज गए 4 तो भाई भूख बहुत तेज़ी से लग गया। सुबह से सिर्फ चाय पिया है तो इसलिए भूख काफ़ी बढ़ गई है, तो चलते कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर दीपू भाई हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं और मुस्कुराते हुए कुछ बोलना चाहते हैं। एक शायरी आज सुना दो गाइस। नहीं आज एक आज एक शायरी सुना दो यार। एक शायरी आई एम सिक टायर्ड टुडे फीलिंग नॉट गुड। वाह भाई क्या इंग्लिश है यार तुम्हारी। भाई बहुत सैड हो रहे थे तो मैं भाई कुछ सुना दो, कुछ दिल की बात ही बता दो भाई। आज दिल हमारा बहुत दुखी है इसलिए नहीं कुछ सुना सकते। दीपू भाई हमारी बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हमने अपनी कई वीडियो में आपको दिखाया है। दीपू भाई आपके पास कोई क्रीम है यार? यार चेहरे पे ग्लो बहुत कम आ रही है आजकल, ठंड ही आ रही है बता रहे बिना क्रीम पे ग्लो आ रही, ठंड आ रही है भाई। ठंड में सबकी शादी होती है, हमें भी जुकाम बुखार होगा। कैमरामैन दीपू भाई के साथ में हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए जीपे का फुल फॉर्म बताइए। गूगल पे गाड़ पे। बड़ा हरामी हो भाई, गंदी बात करते, बहुत गंदी बात करते हैं। जी पे क्या गूगल पे होता है ये? कुछ अलग ही पे बता रहे हैं भाई। अभी देखा है वीडियो में। कभी किया तो नहीं ये? तुम्हारे पास पेमेंट ना तो तुमने वो वाला जी पे कर दिया, कभी किया है? अभी वीडियो दे। भाई बोल ले एक बार हमने अपना जी पे किया है। किया ना दीपू भाई? दीपू भाई बड़ा मजाकिया आदमी है। तो भाई बैठे वीडियो एडिट कर रहा था, तो फाइनली वीडियो एडिट हो चुका है और अब करते हैं ब्लॉग को ही पर एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री फलस्तीन, सपोर्ट फलस्तीन। जय हिंद।